नमस्कार क्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में लगातार चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है, जहां पर चोरों ने जिले के पुलिस की नाक में दम कर रखा है। जिले के पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन चोर इतने शातिर हैं कि अपना कोई सुराग तक ही नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए जिला कोरिया से संवाददाता हेमेंद्र कारफार्मा की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला के पुलिस आपराधिक मामले को लेकर हमेशा मुस्तैद रहती है, मगर इस बार कुछ उल्टा ही नजर दिखाई पड़ रहा है। लगातार जिले में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहां की पुलिस सब सुस्त हो चुकी है। जी हां, इस वारदात के संबंध में हम आपको बता दें कि कोरिया जिले में अभी तक लगातार चोरों द्वारा चोरी की छठवीं घटना की वारदात है, जहां चोरों के द्वारा बीती रात चर्चा थाना क्षेत्र के हृदय परिवर्तन माने जाने वाले हनुमान मंदिर के बगल में एक आकाश गंगा नाम की मोबाइल शॉप में दुकान के ऊपरी लगी शीट को तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया। उसके बाद चोरों के द्वारा वहां रखे हुए 7 से 8 तक महंगी कंपनी के मोबाइलों के साथ साथ गल्ले में रखे लगभग 1800 रुपए निकाल लिया गया। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब मोबाइल शॉप का मालिक महेश विश्वकर्मा रोजाना की तरह जब अपने दुकान पहुंचा तो उसने देखा कि इस तरह की घटना घट चुकी है। तब उसने स्थानीय पुलिस को इस संबंध में जानकारी दी। दुकान में लगे सीसीटीवी में 3 चोरों के द्वारा की गई इस चोरी की पूरी वारदात कैमरे में तो जरूर कैद हुई, जिसमें देखने से पता चल रहा था कि किस प्रकार चोरों के द्वारा चोरी की इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मगर अफसोस की बात यह थी कि कैमरे में सिर्फ वही दिखा जो कैमरे के सामने था, क्योंकि चोरों ने खुद को टोपी मफलर से लपेटा हुआ था, जिस वजह से उनकी पहचान नहीं हो पाई है। उल्लेखनीय है कि कल ही चर्चा थाना प्रभारी तेजनाथ सिंह को पटना थाना तबादला कर भेज दिया गया था और वर्तमान में चर्चा थाना प्रभारी का पद प्रभाव के अभाव में पदहीन था, जिसके बाद थाना प्रभारी बदलते ही चोरों ने मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दे दिया। आज रात को करीब 3 बजे के बाद का घटना है। आकाश गंगा मोबाइल दुकान में दुकान के ऊपर सीट को अज्ञात चोरों ने हटा के और अंदर प्रवेश करके मोबाइल, नया मोबाइल और छोटा बड़ा मोबाइल है चोरी किए हैं और नकदी 1500 रुपये के लगभग। सीसी कैमरा में ये कैद हुआ है चोर का फोटो तस्वीर, इस विषय पे क्या कहेंगे? इसको हम लोग फुटेज ले लिए हैं उनसे, पेन ड्राइव से, और उसको पहचान कर रहे हैं। कितनी मात्रा है मोबाइल चोरी का? अभी 20 नग बताए थे। नगद कितना है? 1500 रुपये। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।